नाम जे के अरोड़ा जी। हाँ जी सर की मैटर की है डीसी बोला जितों ट्रैफिक गुजरता है हर एक मंत्री हर एक कोई भी नेता हर एक कोई भी ऑफिसर उतों गुजरते हैं और उत्ते एक झंडा जिंदी उंचाई लगभग 100 से 200 मीटर उची है लहरा रहा पिछले साल तो एक साल तो परंतु मैं जो देखता मेरे दिल में ठेस लगती है कि मैं देशभगती का जज्बा रखता वा वो जो झंडा हैगा मैला हो चुका है जिते कि आप कोई भी मान लो कल गणतंत्र दिवस ही जगह जगह झंडे लहरा की रस्म लहराई गई की गई पर झंडे वाल किसी ने शायद ध्यान नहीं दिता तो मेरा ध्यान गया मेरा फर्ज बनता है एक इंडिया का नागरिक होने के प्रति तो मैं डीसी साहबान यही मंग पत्र दिता है कि प्लीज़ अपने देश की आन बान अपना तिरंगा झंडा जो कि है इनू जो भी रस्म होंगी है उनके एक समान के तरीके उतार के एक नवा और फ्रैश झंडा जो भी है उसको लहराया जाए ताकि अपने देश के समान को ठेस ना लगे। तो सर जी जिम्मेवारी से जिस बंदे ने तिरंगा लाया से उसे जिम्मेवारी नहीं बनती। देखो जी मैं इस चीज़ बारे कुछ नहीं कहूँगा जी किन्ने लाया सी पर अपने देश के प्रति जिहड़े भी ऑफिसर ने उन्हां दी ड्यूटी बनती है पब्लिक आ सी पब्लिक होने के नाते कोई भी समाजिक काम है साड़ी अपनी एक पावर चाहिए है किसी कोई समाजिक काम है तो अपना ऑफिसर्स उन्हें सूचित करिए बाकी काम ऑफिसर का होता है। सर लुधियाना कारपोरेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती सी जी लुधियाना कारपोरेशन की उन्होंने तो मैं कुछ इतने कहना नहीं चाहता क्योंकि मुद्दा इस टाइम झंडे का झंडे से बोलूँगा कारपोरेशन तो बिल्कुल इस टाइम नलैकी चल रही है। मेरी मांग है कि प्लीज़ झंडे को सम्मानजनक तरीके उतार के दोबारा लहराया जाए क्योंकि यह साढ़े देश की शान है जो भी सिस्टम है सिस्टम के कानून के रेंदे हुए और कानून के दायरे रह के अपने झंडे के सम्मान को बहाल किया जाए। सर जे यह कार्रवाई ना की गई तो अगला स्टैप की होएगा? मेरा अगला स्टैप मैं की कर सकता मैं पब्लिक का आदमी है मैं तो चिला चिला के कह रहा डीसी ऑफिस के सामने क्योंकि शहर के मालक ने तो शहर के मालक मैनू ऐसी कोई उम्मीद नहीं उन्होंने बड़े मैंने प्यार बड़े रिस्पैक्टफुल तरीके किया जी काम होएगा असं कमिश्नर साहब नूं भेज रहे हैं और ऐसी कोई गल नहीं है साढ़े डीसी साहिबा जो है बहुत ही जिम्मेवार ऑफिसर ने।